तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग। और भाई, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो रहा है भाई, लेकिन एक दिक्कत है कि इस मौसम में तबीयत अपनी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा भाई। मैं ना कम से कम भी 16 घंटे से सो ही रहा हूँ भाई। यू कांट बिलीव कि मैं इतना पहली बार सो रहा हूँ लाइफ में, और अभी भी मेरे को नींद आ रही है। मजबूरी में उठ रहा हूँ कि हाँ भाई, मेरे को कुछ चीज़ें देखनी है, वरना मैं कल आधा दिन सोया और रात को 10:30 बजे जल्दी सो गया था, और उठा भी भाई 10:30-11 बजे के आसपास हूँ। एंड फिलहाल अभी जो है, अभी अपन लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ, बाहर का काम देखते हैं एंड अपना सेटअप दिखाऊँ कैसा हो रहा है। ये देखो भाई, क्या गंद मचा पड़ा है, बट हमने फ्लोर चेंज कराया है वाला। एंड अंदर से दिखाता हूँ, टाइलें अभी और लगनी है आगे की तरफ। अंदर से सेटअप बिल्कुल अच्छा, ये क्लीननेस हो गई, मेन चीज़ ये थी। पैनल्स तो अपने सेम थे, लाइटिंग्स भी डिम ही रखनी है अपनी। टाइल्स फ्लोर चेंज होकर थोड़ा अच्छा लगता है। एंड बीन बैग भाई, कल रात में पता क्या किया, यहीं पे सो गया, लेट गया आराम से दोनों पे भाई। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है अलग से सोने का। एंड सेटअप यहाँ का भी आके तैयार करेंगे, साफ सफाई करेंगे बिल्कुल अच्छे से, क्लीननेस के साथ, स्टैंड वगैरह, लाइटिंग वगैरह, क्योंकि अपने को ना ये सेटअप चाहिए बहुत प्यारा, क्योंकि भाई वीडियोज़ मेरी यहीं पर बनने वाली हैं अब। एंड बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से मैं इसको सेट करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं ट्रैवलिंग भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि देहरादून अब रेगुलर आना जाना है ही, तो वहाँ जाके थोड़ा सा पैसा खर्च हो रहा है, तो उसे वसूल करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, इसलिए ट्रैवलिंग स्टार्ट करूँगा मैं बहुत अच्छे से, अच्छे प्लेसेस पे जाके सेटअप बढ़िया से करना है यार सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल नीचे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। डेंगू हो रहा है मेरे को, पसीने चल कर लेता हुआ मैं बिट्टे, सही बता रहा हो रहा है बहुत ज़्यादा भयंकर। मैं पंखा बंद कर देखिए, कम्बल में लेटता हूँ, पसीना हो रहा है इनसे, दो दिन से हाल बड़े वाला ख़राब हो रहा है भयंकर। आ रहे हैं पूल खेलने के लिए, नाइन बॉल कैफे, अंदर से दिखाते हैं क्या डिज़ाइन है भाई। ले रहा गेम भाई, लगा क्या कह रहा, अरे इससे खेलता है ना, ले पकड़, लेट्स स्टार्ट द गेम। बेहतर बनने वाली कौन सी थी, पाउडर अभी लगाएंगे तो स्टार्ट होगा भाई। एक गेम अपन जीत चुका है, मेरे सामने थोड़ी जीत जाएगा तो यार, फाउल तो फाउल, कौन सा फाउल था, एक फाउल हुआ पूरे मैच में मेरा, अपने देख ले। टू गेम इन अ रो मेरे बेबी, अब कौन सा फाउल था, अब तो इतने चांस दिए तुझे जीतने के लड़ने इतने, अबे मैं बहन खेटक, सही कह रहा। एक दो गेम इन अ रो, अरे तीसरे की स्टार्टिंग, टाइम देख रखा ना, हारने के बाद तीसरा गेम हारने की करार पे। पहले वापस घर आ गए, दो मैच में लगातार जीता मैं कंटिन्यूसली, दोनों शायद तीन, वो थोड़ा बहुत रिलैक्समेंट मिला तबीयत में यार, वरना तबीयत तो ऐसी हो गई थी मेरी, किसका कोई हद ही नहीं। एंड फोन हो चुका है बिल्कुल डिस्चार्ज, थोड़ी देर आराम से रेस्ट करते हैं, फ्रेश होकर फिर अपना चलेंगे दोबारा बाहर कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि आज मैं बाहर ही खाऊंगा, घर में मेरा खाने का मन नहीं है, बाहर ही कुछ खा के आएंगे आज। एंड फ़ोन चार्जिंग पर लगा लो फिलहाल, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो भाई आउटडोर डिनर एंड टाउन टेबल, अपना ऑर्डर आता है, आज मेरा मन था भी बाहर खाने का, तो इसलिए आज हम लोग आए हैं बाहर, अकेले ही हैं वैसे तो, बाहर कुछ खा के अच्छे से आराम से दवाई लेके आज दोबारा रेस्ट करने वाला हूँ। अपनी रूम की सफाई वगैरह भी करनी है, सेटिंग वगैरह भी करनी है रूम की, रूम बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है यार मेरा आज, तो उससे सही करेंगे, फ़िलहाल कुछ खा लें यार। भाई खाना खाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सी गर्मी लग रही है बॉडी में, क्योंकि मैंने आज तो दबा के खाना खाया है भाई, और तबीयत ख़राब अलग हो रही थी भाई। दोपहर में तो ऐसा होता था बिल्कुल बॉडी में पेन, बिल्कुल जैसे होता है ना हड्डियों में बुखार चढ़ गया हो, इस तरीके का पेन होता था बॉडी में, बट किस तरीके से मैंने मेडिसिन वगैरह लेके बहुत ज़्यादा रेस्ट करके थोड़ा सा रिकवर हुआ है, अब जाके खाना खा के आया था मैं, एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला है। अब जाके एक चक्कर मार के आ रहा हूँ गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी से अगर चक्कर ना मारो ना, मतलब घूम के ना हो गाड़ी में, तो दिन ऐसा लगता है कि भाई पूरा ही नहीं हो, या दिन में कुछ किया ही नहीं। एक बार म्यूज़िक लाउड, अच्छे से एक चक्कर घूम घाम के आओ, तब जाके लगता है कि हाँ कुछ हुआ है दिन में आज। गाड़ी भाई, गाड़ी इज़ फर्स्ट लव, जो जिन लड़कों को कार से प्यार है उन्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। गाड़ी में तो भाई अलग ही फील आती है, हर चीज़ का मज़ा एक तरफ और गाड़ी का मज़ा एक तरफ। मेरे को सिर्फ गाड़ी का ही शौक है लाइफ में,
और गाड़ियाँ भाई इतनी लेनी है जितनी लोगों की देख के जल जाए बस। मतलब गाड़ियों का शौक है भाई, गाड़ी तो अभी स्टार्टिंग थोड़े दिन लोग जब उस गाड़ी बहुत ही अलग लेवल की गाड़ियाँ निकालने वाला हूँ मैं एंड फिर आएगा मजा भाई लाइफ में। तो भाई थका के वापस घर पे आके एंड एक्टिवा वगैरह अंदर कर देता हूँ यार, उसे अंदर करके अपने से ऊपर जाके रेस्ट करेंगे। यार मेरे फ़ोन में ना एक दिक्कत आ रही है, इसका जैक जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, चार्जिंग पे यार बहुत तेज़ में लगता है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसके जैक में। जैक मुझे लग रहा फ़ोन खराब ही हो जाएगा अभी, क्योंकि मैं बहुत केयरलेसली इस फ़ोन को रखता हूँ यार, और अगर ये फ़ोन ख़राब हो गया तो मीन्स कि नया लेना पड़ेगा, और नया लेने का अभी कोई हिसाब है नहीं भाई। फ़ोन मेरे को 15 आने वाला है, वैसे आ ही गया ऑलमोस्ट यार। रूम की हालत देखो यार कितनी गंदी हुई पड़ी है, तब दो दिन से सोच रहा हूँ, ये देख भाई दो दिन से सोच रहा हूँ इसे साफ़ कर लेता हूँ, लेकिन साफ़ नहीं हो रहा भाई, ये दो दिन से सिर्फ सोचा ही ज़्यादा है इसको साफ़ करने का। दवाई रखी थी, दवाई भी खानी है यार भाई। ये सब कंस्ट्रक्शन होने के टाइम पे गिटार वगैरह सब ऊपर रखा हुआ था, अब देखो मैंने उतार के देखा कैसी हालत हो रही है भाई, धूल देख लो भयंकर, अब इसे साफ़ कर दो बैठ के। मैं सोचता हूँ कि यार भले थोड़ी सी तबीयत ऐसी है ढीली है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक बार इसे सही से सेट कर लूँ, क्योंकि परसों मैं निकलने वाला हूँ देहरादून के लिए वापस, तो इसे थोड़ा सा सेट करके चल जाऊँ ताकि यहाँ आके कम से कम ऐसे तो ना लगे कि मैं कहीं, वैसे तो ज़्यादा भी गंदा नहीं है, लेकिन यह है कि खाली खाली है ना, थोड़ा ज़्यादा सामान नहीं इसलिए गंदा नहीं लगता, लेकिन डस्ट हो रही है भाई बहुत ज़्यादा। आई हैव टू चॉइसेस नाउ, इसे सही करूँ बैठ के या फिर आराम से पढ़ के सो जाऊँ। ये बची है भाई लास्ट मेडिसिन, ये वाली कंप्लीट कर लेते हैं एंड इसके बाद फाइनल रिजल्ट, तबीयत ठीक हो जानी चाहिए भाई बस। यार अभी ना मैं एक चीज़ देख रहा था, मतलब एक कैलकुलेशन लगा रहा था ऐसी, तो भाई मतलब ये सोच रहा था कि यार बिज़नेस करना ना रियलिटी में इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। बिजनेस मैन की यार नॉर्मल बिजनेस मैन का ही ना खर्चा ही 50 से 60 हज़ार रुपये मिनिमम आ जाता है यार, और इतनी गवर्नमेंट सैलरी होती है जिसके लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं आज की डेट में, बट बिजनेसमैन के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल रनिंग का खर्चा होता है। तो रियलिटी में यार बिज़नेस वाकई में हार्ड होता है, नॉर्मल एक नॉर्मल स्केल के स्टार्टिंग स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है यार बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है भाई दिमाग में। ये चीज़ मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था यार, सोच के रहा था एक जगह की नॉर्मल बिज़नेस के लिए कैलकुलेशन कर रहा था, तो मैंने लगाया एक बंदा था उसके हिसाब से, तो यार मैंने देखा कि वाकई में अगर नॉर्मल इंसान स्टार्टिंग से बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो इतना भी इजी नहीं होता यार सब चीज़ें। खैर ये देखो तुम्हारे भाई के गंदगी तो हो रही है, 10,000 के जूते कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताओ, वैसे 10,000 के नहीं हैं बट वाकई में शूज़ हैं वाकई में रियलिटी में प्रीमियम लुक के, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रहा है, और प्राइस भी बताना भाई क्या प्राइस होगा अकॉर्डिंग टू दिस शूज़। दवाई खा लेता हूँ, लास्ट दवाई रहती है, दूसरे वाली तो खा ली मैंने। खैर भाई वो बाकी सारी बातें एक तरफ, इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, कल करनी है बहुत सारी मस्ती नई शुरुआत के साथ, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। एंड ये गिटार साफ करके गिटार बजाना स्टार्ट करता हूँ फिलहाल, दोनों थोड़ी देर के लिए रिलैक्स माइंड हो जाएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नेक्स्ट मॉर्निंग, बाय बाय, गुड नाइट।